दोस्तों, आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म काफी मायनों में एक सच्ची भूली बिसरी फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार हैं। साथ ही फिल्म को डायरेक्ट किया है शोले फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने। लेकिन फिर भी इस फिल्म की चर्चा आज न के बराबर होती है और ज्यादातर लोगों ने तो शायद इस फिल्म का नाम भी नहीं सुना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह फिल्म है साल 1991 में रिलीज हुई एक्शन थ्रिलर मूवी अकेला। फ्रेंड्स, इस फिल्म की कास्ट काफी लंबी चौड़ी रखी गई थी, जिसमें हमें अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी शशाद्री, अमृता सिंह, शशि कपूर, हेलेन, आदित्य पांचोली, किरण जुनेजा और कवलजीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले थे। दोस्तों, अकेला फिल्म को डायरेक्ट किया था रमेश सिप्पी ने। इन्होंने इस फिल्म से पहले अमिताभ बच्चन की फिल्में शोले, शान और शक्ति को भी डायरेक्ट किया था और ये सभी फिल्में काफी सफल फिल्में रही थी। लेकिन अकेला फिल्म सफलता का वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो इन फिल्मों ने हासिल किया था। दरअसल फ्रेंड्स, अकेला फिल्म वैसे तो उस साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। साथ ही काफी सिनेमा हॉल्स में इस फिल्म ने 100 दिन तक चलने का कीर्तिमान भी स्थापित किया था। लेकिन अमिताभ बच्चन की फिल्म होने के कारण ये सब काफी नहीं था। इस वजह से इस फिल्म को एक एवरेज फिल्म का टैग दिया गया। फिल्म का बजट लगभग 4.5 करोड़ रखा गया था और इसने लगभग 7.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। माना जाता है कि फिल्म एवरेज रही थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने अपना पैसा रिकवर कर लिया था, उन्हें नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा था। दोस्तों, रमेश सिप्पी और अमिताभ बच्चन की यह चौथी और आखिरी फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने कोई फिल्म साथ में नहीं की। अकेला फिल्म की कहानी सलीम खान ने लिखी थी, जो उस वक्त जावेद अख्तर से अलग हो चुके थे। इन्हें आज सलमान खान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, रमेश सिप्पी और अमिताभ के लिए सलीम जावेद की जोड़ी ने शोले, शान और शक्ति जैसी फिल्में लिखी हैं। लेकिन अकेला फिल्म केवल सलीम खान द्वारा लिखी गई थी, क्योंकि उस वक्त उनकी और जावेद अख्तर की जोड़ी टूट चुकी थी। दोनों ने अलग अलग रूप से बॉलीवुड में काम करना शुरू कर दिया था। सलीम खान ने अकेला फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को कीथ स्टीवनसन से मिलवाया था और अकेला फिल्म के विलन के रोल में उन्हें कास्ट करने की सलाह दी थी। हालांकि रमेश सिप्पी कमल हासन को विलेन की भूमिका में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें सलीम खान ने समझाया कि शोले फिल्म के विलेन गब्बर सिंह और शान फिल्म के विलेन शाकाल की तरह अकेला फिल्म के विलेन का किरदार भी काफी हिट होगा अगर उसे कीथ स्टीवनसन निभाएंगे, रमेश सिप्पी भी सलीम खान के कहने पर मान गए और उन्होंने एक स्क्रीन टेस्ट लेकर कीथ स्टीवनसन को फिल्म में कास्ट कर लिया। फिल्म के मेकर्स ने ऐसा शो किया कि ये एक बहुत खतरनाक विलन की बॉलीवुड में एंट्री होने जा रही है और यह उसकी पहली फिल्म है बतौर एक्टर। लेकिन अकेला फिल्म असल में कीथ स्टीवनसन की दूसरी फिल्म थी बतौर एक्टर। उन्होंने इससे पहले भी त्रिकाल नाम की एक फिल्म में बतौर एक्टर काम कर रखा था। अकेला फिल्म रिलीज हुई और अमिताभ बच्चन और बाकी सभी एक्टर्स के काम की तारीफ हुई, लेकिन फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे कीथ स्टीवनसन को लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किया और जो उम्मीद मेकर्स ने विलेन वाले रोल से लगा रखी थी वो पूरी नहीं हो पाई। कीथ स्टीवनसन को भी इस फिल्म के बाद बॉलीवुड में कोई खास काम नहीं मिला और उन्हें लगभग 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा अपने अगले रोल के लिए, जो उन्हें मिला साल 2001 में आई शाहरुख खान स्टारर फिल्म 1-2 का 4 में। दोस्तों, अकेला फिल्म की कहानी एक पुलिस ऑफिसर विजय वर्मा के इर्द गिर्द रखी गई है, जो रोल अमिताभ बच्चन ने निभाया है। फिल्म में जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शशाद्री विजय यानी अमिताभ के दोस्त की भूमिकाओं में दिखाए गए हैं, जहां अमिताभ मीनाक्षी को पसंद करता है और मीनाक्षी भी अमिताभ को लाइक करती है, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बताई होती है। लेकिन जैकी श्रॉफ भी मीनाक्षी को पसंद करता है, वो एक अनाथ होता है, इसलिए वो अपने दोस्त अमिताभ को कहता है कि वो मीनाक्षी का हाथ उसके लिए उसकी माँ से मांगे। साथ वो अमिताभ को ये भी बताता है कि वो मीनाक्षी से बहुत प्यार करता है और अगर उसकी शादी मीनाक्षी से नहीं हुई तो वो जी नहीं पाएगा। यह सब सुन के अमिताभ अपने दोस्त के लिए खुद के प्यार की कुर्बानी दे देता है और मीनाक्षी और उसकी माँ से जैकी के लिए मीनाक्षी का हाथ मांग लेता है। मीनाक्षी को लगता है कि अमिताभ उसे
पसंद नहीं करता, इस बात का उसे काफी दुख होता है। फिर फिल्म में हमें आगे दिखाया जाता है कि जैकी और मीनाक्षी की शादी हो गई है और उनका एक बेटा भी है। वहीं अमिताभ मीनाक्षी के गम में शराब पीने लग गया है और अब वो एक पुलिस अफसर है। अमिताभ का एक पुलिस ऑफिसर के रूप में सामना एक खूंखार विलन से होता है जिसने एक फ्लाइट में बम रख रखा है। अमिताभ फ्लाइट को बम विस्फोट से बचा लेता है और टोनी नाम के विलेन को जुर्म के लिए पकड़ लेता है। लेकिन कोर्ट में टोनी का वकील ये साबित कर देता है कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन टोनी हॉस्पिटल में एडमिट था और उसके अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। अमिताभ को इसके लिए काफी आलोचना का सामना करना पड़ता है। यहाँ अमिताभ बच्चन के सीनियर के रोल में हमें शशि कपूर को दिखाया गया है। अमिताभ की मुलाकात अमृता सिंह से एक क्लब में होती है जहाँ अमृता डांस करती है। एक आदमी अमृता को तंग कर रहा होता है तब अमिताभ उसे यानी अमृता को उस व्यक्ति से बचाता है। अमृता और अमिताभ एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और साथ समय बिताने लगते हैं। एक बार फिर से टोनी और अमिताभ का आमना सामना होता है जब टोनी एक डिपार्टमेंटल स्टोर को लूट रहा होता है। लेकिन इस बार भी टोनी का वकील यह साबित कर देता है कि जिस दिन यह वारदात हुई उस दिन टोनी शारजाह में एक क्रिकेट मैच देख रहा होता है और कोर्ट में उस मैच की रिकॉर्डिंग जज को दिखा के टोनी फिर से बच जाता है। इस बार भी अमिताभ को झूठा साबित कर दिया जाता है। इस बात से अमिताभ काफी परेशान होता है। अमृता अमिताभ को परेशान देख उसका मूड फ्रेश करने के लिए मूवी दिखाने ले जाती है। दोनों सीता और गीता मूवी सिनेमा हॉल में देख रहे होते हैं तभी उस फिल्म की वजह से अमिताभ को आइडिया आता है कि शायद टोनी का भी कोई जुड़वा भाई होगा जिसका इस्तेमाल करके हमेशा टोनी बच जाता है। अमिताभ का ये आइडिया सच साबित होता है और अमिताभ दोनों जुड़वा भाइयों को गिरफ्तार कर लेता है। कोर्ट टोनी को तो सजा दे देती है लेकिन उसके जुड़वा भाई जोजो को मानसिक स्थिति खराब होने के चलते छोड़ देती है। अमिताभ टोनी का एनकाउंटर कर उसे खत्म करने की कोशिश करता है लेकिन शशि कपूर उसे ऐसा नहीं करने देता। इसके बाद टोनी जोजो की मदद के जरिए जेल से फरार हो जाता है और इसके लिए वो काफी निर्दोष लोगों का खून बहाते हैं। फिल्म की कहानी में हमें अमिताभ के छोटे भाई को भी दिखाया गया है जो रोल आदित्य पांचोली ने निभाया है। फिल्म में टोनी और जोजो जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शशाद्री का भी मर्डर कर देते हैं जिससे अमिताभ बच्चन उन दोनों के खात्मे के लिए उनके पीछे पड़ जाता है ताकि वो उनसे बदला ले सके। इस फिल्म की कहानी में एक तरफ अमिताभ बच्चन जैसा पुलिस इंस्पेक्टर है जो क्रिमिनल्स के लिए किसी काल से कम नहीं है, वहीं दूसरी तरफ टोनी और जोजो दो जुड़वा भाई जो काफी खतरनाक और खूंखार हैं। दोनों की इस टक्कर में कौन किस पर भारी पड़ता है, साथ ही फिल्म में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं, अमिताभ बच्चन को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये सब जानने के लिए आप इस फिल्म को एक बार जरूर देखें। दोस्तों, अकेला फिल्म से हेलेन ने बॉलीवुड फिल्मों में कमबैक किया था। उन्होंने लगभग 6 साल के अंतराल के बाद किसी फिल्म में काम किया था। फ्रेंड्स, हेलेन को हम उनके डांस और वेस्टर्न गेटअप के लिए ज्यादा जानते हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने मीनाक्षी की माँ का रोल निभाया है जहाँ उन्हें सिंपल साड़ी में दिखाया गया है जो उनकी इमेज से एकदम विपरीत था। हालांकि एक सॉन्ग में फिर भी उनके द्वारा किया डांस हमें दिखाया गया है। दोस्तों, अकेला फिल्म रमेश सिप्पी, सलीम खान और अमिताभ बच्चन इन तीनों की जोड़ी की आखिरी फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद ये तीनों फिर कभी किसी फिल्म के लिए एक साथ एक मंच पर नहीं आए। इससे पहले यह तीनों कई आइकॉनिक फिल्मों का हिस्सा एक साथ रहे थे। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की भी ये आखिरी फिल्म थी एक साथ। इसके बाद इन दोनों ने भी कभी एक साथ काम नहीं किया। दोस्तों, आदित्य पांचोली वाले रोल में पहले मेकर्स कुमार गौरव को कास्ट करना चाहते थे लेकिन कुमार गौरव ने इस रोल के लिए हामी नहीं भरी क्योंकि उनका मानना था कि ये रोल काफी कमजोर है और इसे फिल्म में बहुत कम रखा गया है। इस वजह से फिर फिल्म के मेकर्स ने कुमार गौरव की जगह आदित्य पांचोली को इस रोल में कास्ट किया। दोस्तों, अकेला फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसमें जैकी श्रॉफ और अमिताभ बच्चन दोनों एक साथ हमें देखने को मिले थे, वो भी पहली बार। वैसे फ्रेंड्स, इस फिल्म में जैकी श्रॉफ का छोटा सा रोल था, बाकी पूरी फिल्म अमिताभ बच्चन पर आधारित थी, इसलिए पोस्टर्स और फिल्म के क्रेडिट्स में जैकी श्रॉफ का नाम गेस्ट अपीयरेंस में आना चाहिए था। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने ऐसा करने से मना कर दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि दर्शकों को लगे कि इस फिल्म में दो हीरो हैं, जिससे फिल्म की पब्लिसिटी बढ़े और फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिले। लेकिन फिल्म रिलीज के बाद काफी लोगों ने इस बात की आलोचना की
और कहा कि मेकर्स को ऐसा गलत भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक कहा गया कि ऐसा करके दर्शकों को मिसलीड किया गया है। दोस्तों, अकेला फिल्म 1991 में 8 नवंबर को रिलीज हुई थी, जो दिवाली फेस्टिवल वाला वीक था। इस वजह से और भी फिल्म्स उस तारीख को रिलीज हो रही थी, जिनमें से एक फिल्म थी लव, जिसमें सलमान खान मुख्य भूमिका में थे। अकेला फिल्म के राइटर सलमान खान के पिता सलीम खान थे। उन्होंने लव फिल्म के मेकर्स को समझाया कि वो अपनी फिल्म अमिताभ बच्चन और रमेश सिप्पी की फिल्म के सामने रिलीज न करें। पहले तो लव फिल्म के मेकर्स अपनी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाने के लिए नहीं माने, लेकिन जैसे ही रिलीज डेट पास आ गई, तब एन मौके पर उन्हें सलीम खान का सुझाव सही लगा और उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज एक हफ्ते टाली और लव फिल्म को अकेला फिल्म के एक हफ्ते बाद रिलीज किया गया। दूसरी तरफ यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे भी 8 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट एक हफ्ते नहीं बल्कि 2 हफ्ते आगे बढ़ा के रिलीज की थी। दोस्तों, हालांकि अकेला फिल्म ज्यादा बड़ी सफल फिल्म नहीं बन पाई, लेकिन अमिताभ बच्चन, रमेश सिप्पी जैसे बड़े नाम इस फिल्म से जुड़े हुए थे। इस कारण इस फिल्म का काफी टेरर था दूसरे फिल्म मेकर्स में। इसी वजह से कोई अपनी फिल्म को इनकी फिल्म के साथ रिलीज नहीं करना चाहता था। दोस्तों, अकेला फिल्म में जो रोल अमृता सिंह ने निभाया है, उस रोल के लिए पहले श्रीदेवी को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस वक्त श्रीदेवी अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में काफी बिजी थी। इस कारण वो अकेला फिल्म के लिए डेट्स नहीं दे पाई और बाद में उनकी जगह ये रोल अमृता सिंह को ऑफर हुआ और उन्होंने इसके लिए हाँ कर दी। वैसे दोस्तों, इस फिल्म में अमृता सिंह और अमिताभ बच्चन की जोड़ी हमें देखने को मिली थी। इस फिल्म के बाद काफी लंबे समय तक हमें दोनों किसी फिल्म में एक साथ काम करते नहीं दिखे थे। लगभग 28 साल बाद दोनों एक फिल्म बदला में दिखे थे, लेकिन यहाँ भी ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे। दोनों के रोल अलग अलग थे। बदला फिल्म से पहले शूट आउट एट लोखंडवाला में भी अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह ने काम किया था, लेकिन दोनों का साथ में कोई सीन नहीं था। दोस्तों, अकेला फिल्म में पहले अमरीश पुरी को भी कास्ट किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें फिल्म से ड्रॉप कर दिया गया था। अकेला फिल्म में आदित्य पांचोली के अपोजिट किरण जुनेजा ने काम किया था, जहां उन्होंने आदित्य की गर्लफ्रेंड और वाइफ का रोल निभाया था। दरअसल फ्रेंड्स, रियल लाइफ में किरण जुनेजा और अकेला फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी पति पत्नी हैं। दोनों ने उसी साल शादी की थी जिस साल अकेला फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन किरण जुनेजा अपने पति और अकेला फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी से नाराज थी, क्योंकि उन्होंने आदित्य पांचोली और किरण को फिल्म के पोस्टर में जगह नहीं दी थी। किरण की अमिताभ के साथ ये एकमात्र फिल्म थी, लेकिन उस फिल्म के पोस्टर में उन्हें जगह नहीं मिली। साथ ही रमेश सिप्पी ने उन्हें फिल्म के प्रमोशन वाले इवेंट से भी दूर रखा था। दरअसल रमेश सिप्पी का पूरा फोकस था कि इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन के स्टारडम का भरपूर फायदा उठाया जाए। इसी वजह से इस फिल्म के पोस्टरों पर भी अमिताभ बच्चन की फोटो के साथ लिखवाया गया था कि जब ये अकेले लड़ते हैं तब ये सबसे अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। दोस्तों, किरण जुनेजा को रमेश सिप्पी ने टेलीविजन सीरियल बुनियाद में काम दिया था, जो उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था, जिसका टेलीकास्ट दूरदर्शन पर हुआ करता था। फिर रमेश सिप्पी और किरण जुनेजा ने शादी भी की। किरण जुनेजा ने फिल्म और टेलीविजन में काफी काम किया है। इनके द्वारा निभाए कुछ रोल्स इस प्रकार हैं, जैसे बंटी और बबली फिल्म में बबली यानी रानी मुखर्जी की माँ का रोल, घोसला का घोसला फिल्म में अनुपम खेर की पत्नी का रोल और जब वी मेट फिल्म में करीना कपूर की माँ का रोल। दोस्तों, बताया जाता है कि अकेला मूवी की स्टोरी और प्लॉट साल 1971 में आई हॉलीवुड मूवी डर्टी हैरी से इंस्पायर थी। वैसे बॉलीवुड में साल 1973 में डर्टी हैरी मूवी से इंस्पायर होके एक फिल्म बन चुकी थी, जिसका नाम खून खून था। इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में हमें महेंद्र संधु, डैनी और रेखा देखने को मिले थे। दोस्तों, अकेला फिल्म को प्रोड्यूस किया था मुशीर रियाज ने। हालांकि अकेला फिल्म को कंप्लीट होने में 4 साल का समय लगा, इस वजह से ये एक डिले फिल्म बनी। लेकिन बताया जाता है कि मुशीर रियाज ने अपना पैसा जो इस फिल्म में लगा रखा था वो रिकवर कर लिया था। ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि जो फिल्में डिले होती हैं उनमें प्रोड्यूसर्स का पैसा डूब ही जाता है, लेकिन अकेला फिल्म के केस में ऐसा नहीं हुआ। इस फिल्म के बाद मुशीर रियाज ने एक और फिल्म
फिल्म का निर्माण शुरू किया था जिसका टाइटल गर्म हवा था और उसके लिए उन्होंने महेश भट्ट को एज अ डायरेक्टर साइन किया था, लेकिन ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई और डब्बा बंद हो गई। साल 1997 में विरासत फिल्म रिलीज हुई जो एज अ प्रोड्यूसर मुशीर रियाज की लास्ट फिल्म थी। दोस्तों, साल 1991 में अकेला फिल्म की रिलीज से पहले एक पत्रकार को इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन ने ये कह दिया था कि इस फिल्म को मत देखिए, ये कोई बेहतरीन फिल्म नहीं है। यह सुन के पत्रकार काफी आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने अमित जी से कहा कि यह सुन के फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी आपसे नाराज हो जाएंगे। इसके जवाब में अमित जी ने कहा कि इस बारे में उनकी रमेश सिप्पी से पहले ही काफी डिटेल में बात हो चुकी है और रमेश सिप्पी को भी सच्चाई पता है कि यह फिल्म उस लेवल की नहीं है। अमित जी ने यह भी कहा पत्रकार को कि फिल्म को बनने में 4 साल का समय लगा। पूरी फिल्म में मेरा यानी अमिताभ बच्चन का लुक एक जैसा नहीं है। फिल्म जब शुरू होती है तब वो अलग तरह के लगे हैं और फिल्म खत्म होते होते अलग। दोस्तों, यह थी आज की हमारी भूली बिसरी फिल्म। क्या आपने ये फिल्म देखी थी या कभी आपने इस फिल्म के बारे में सुना था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस फिल्म के बारे में आप अपने विचार भी हमारे साथ शेयर करें।